सदर थाना क्षेत्र के करोड़ा गांव में धुरंडी पर परमिट और अंजाम भुगतने की धमकी देने का मामला सामने आया है। करोड़ा गांव निवासी अभय सिंह पुत्र श्रीचंद्र यादव ने बहरोड सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है कि वे विजय अशोक सोनू मोनू के साथ गांव के ग्राउंड में धुरंडी खेल रहे थे और इसी दौरान मेरा नंबर की बोलेरो गाड़ी में 6 से 7 लड़के आए और हमारे ऊपर लकड़ी व रॉड से हमला कर दिया तथा हमारे घर आने के बाद से लोकेश अजमेरी कोर्ट ने मोबाइल से अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए कहा कि तेरे गांव की लड़की को छेड़ते हुए तुम गाड़ी रखता है जहाँ से खत्म करने आ रहा हूँ। लगभग 10 मिनट बाद तीन गाड़ियों में लगभग 15 से 18 लड़के आए और सुरेंद्र पुत्र लोकेश उर्फ बज्जू पर फिल्म स्टाइल में बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। गाँव वालों ने हमारे बीच बचाव कर दिया और कहा कि वह पांच आए दिन हमारे गांव के लड़के पर फप्तियां कसते हैं जिससे गांव में भारी तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो गांव को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे 5 ग्राउंड बैठे थे, वहाँ पहले एक बोलेरो आती है और इनके साथ मारपीट कर जाती है डंडे से राड से। फिर ये बच्चे गाँव में फोन करते हैं, वो फिर और फोन करके वहाँ से 2 बोलेरो फिर आती है, ठीक है। फिर इनको मारने की धमकी दे जाते हैं, भागते हुए फायरिंग कर जाते हैं। जैसे आवाज फायरिंग सुनी जो गांव वाले पूरे भेड़े हुए और फिर वो पता चला कहाँ के अजमेरपुर के गांव के थे। उनकी हर बार 26 जनवरी 15 अगस्त जब भी मीटिंग होती है उसके अंदर यही बात उठती है, गाँव के बाहर के बच्चे आते हैं और गांव के चौपाल है चोरिया है सबूल की तरफ जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं। बच्चे आती उनको बोलते हैं, किसी का कोई भाई बोलता है, कोई चाचा बोलता है, उसको क्या मौका दे के एक लोग पीट जाते हैं। ऐसी घटना गाँव में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इनके खिलाफ थाने में काफ़ी लूट मार डकैती का चोरी का है, मंथली का 20 मुकदमा दर्ज है पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस आज भी 2 घंटे लेट पूछी है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र यादव। दुकान ये करोड़ा गांव की घटना है, ग्राउंड के अंदर सुबह 11 बजे के आसपास आते हैं और हमारे साथ मारपीट की, उसके बाद दोबारा फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी, उसके बाद 2 गाड़ी और आते हैं और ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, चलते टाइम फायर कर गया। एक बाइक है उसको चढ़ा के बाइक के ऊपर एक भाई के हाथ के लगी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, बच गए थोड़ा सा। पुलिस मौके पर पहुंची है कि मामला वगैरह दर्ज करवाया? इसे 2 घंटे लेट पहुंची पुलिस को फोन किया बाद 2 घंटे लगभग पहुंची। थाने में मामला वगैरह दर्ज करवाए जा रहे हैं। पहले कई बार वैसी भी घटनाएं हो चुकी हैं छोटी मोटी, लोगों में डर भी है इनका, एक आदमी सामने नहीं आता, ये इस तरह से एक एक को करके बहन बेटियाँ उधर से स्कूल में जाती बच्चियों को बोलते हैं। अभी इन्होंने आज ये घटना की है और मतलब गाड़ी को ऐसे भगाया है जिससे खाली रोड हो, उसमें बहुत बच गए, नहीं तो दो नीचे मर भी सकते थे। एक लड़के के लगी है, संदीप नाम है, साइड में उसके रोड से पेट में नीचे नहीं आए, साइड में गया है, एक बाइक टूटी है और जाते समय उन्होंने फायरिंग की, आज की घटना है। पुलिस प्रशासन अगर इस पर सख्त अगर कोई कार्रवाई करता तो ठीक है, ये तो गाँव बस्ती मिलकर इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगा, गाँव जरूर इस पर सख्त है। ये आज की फोटो जरूर लगानी चाहिए भाई।